हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम वही स्टेट सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा जो लेक्चर है स्टेट का, ये लेक्चर नंबर जो है हमारा फोर्थ वन लेक्चर है। और अब तक हमने ये स्टेट के सेम 5 स्टेट सब्जेक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टोटल चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें दो मेथड है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, सब नंबर 4, सब नंबर 5, सब नंबर 6। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सब नंबर 7। क्लियर? तो अब तक आपने अगर 3 लेक्चर नहीं देखे तो वो देख लीजिए, उसके बाद आपको ये थोड़ा सम जो है अंडरस्टैंडिंग रहेगा। और अगर नहीं भी देखे, आप डायरेक्ट देखना चाहते हो तो भी देख लीजिए, आई थिंक 99% आपको सम समझ में आ जाएगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 7। तो सम नंबर 7 में क्या है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन पिंस इट इज नोन डेट 5% ऑफ द पिंस आर डिफेक्टिव। अब एक कॉटन पिंस है जहाँ पे इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि 5% ऑफ पिंस जो है वो डिफेक्टिव होंगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो आपकी रहती है वो पी, वो 5% यहाँ पे शो हो गया। द पिंस आर सोल्ड इन अ बॉक्स ऑफ 100। अब 100 के बॉक्स में वो पिंस सोल्ड हो रही है, मतलब आपका जो एन है, ठीक है, आपका एन है वो 100 आ चुका है और पी है वो आपका 5% आ चुका है। अब आपको क्या करना है, एंड इट इज गारंटीड दैट नॉट मोर देन 4 पिंस विल बी डिफेक्टिव इन बोस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट अ बॉक्स विल मीट दिस गारंटी। वो क्या कह रहा है कि गारंटीड है कि 4 पिन से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं आएंगे बॉक्स में, इसकी गारंटी का अनुमान लगा रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं ये कहूँ, यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज किया नॉट मोर देन, सॉरी नॉट मोर देन 4 यूज किया है, तो हमें P0, P1, P2, P3 और P4 निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ मीन, तो मीन आपका हो जाता है एन इंटू पी, एन था आपका 100 और पी था आपका 5%। तो 100 का अगर आप 5% करोगे तो कितना आएगा, हंड्रेड का 5% तो आपका आया 5। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, तो m इक्वल्स टू 5 आया। अब m इक्वल्स टू 5 आपका करेक्ट है कि नहीं, मैंने आपको समझाया था, क्लियर, कि आपका यहाँ पे e की वैल्यू जो दी गई है वो वही नंबर की होनी चाहिए जो आपका m आया। तो मेरा m आया 5, तो यहाँ पे e माइनस 5 है तो 5 है, और वहाँ पे मेरा आंसर भी m 5 आया है, मतलब मेरा मीन करेक्ट है। अब हमें क्या निकालना है, P0, P1, P2, P3, P4। अब आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, आपका पी एक्स इक्वल्स टू पी माइनस एम एम रेस टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम P0 निकालते हैं पहले, तो P0 हमेशा आपका जो ई माइनस फाइव की वैल्यू दी गई है वही रहता है। कैसे दिखाता हूँ, यहाँ पे ई माइनस फाइव एम की जगह जो आपका मीन है 5 वो लिखा मैंने, इंटू एम क्या है आपका 5, एक्स क्या है 0, क्योंकि 0 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, और 5 0 का फैक्टोरियल, ठीक है, एक्स का फैक्टोरियल मतलब 0 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपका आया ए माइनस फाइव का वैल्यू हम डायरेक्ट लिखते ए माइनस फाइव का हम वैल्यू डायरेक्ट लिख लेते हैं, ए माइनस फाइव 0.007। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए माइनस फाइव इक्वल टू 0.0067 है, क्लियर। तो e माइनस फाइव आपका है 0.0067 इंटू 5 रेस टू 0 हो जाता है 1, और 0 का फैक्टर हो जाता है 1, मतलब 0.0067 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 आपका आया 0.0067। तो आपका p क्या है 0.0067। अब इसी तरह से p1 निकालेंगे, तो p1 क्या आएगा, e माइनस वन आपका जो है 0.0067 इंटू 5। अब यहाँ पे 0 की जगह 1 आ जाएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 की निकाल रहे हैं, तो x की जगह 1 आया, तो यहाँ पे भी 1 और 1 फैक्टोरियल,
क्लियर। तो 0.0067 इंटू 5:1 क्या आपका आया, 5 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपका क्या आया 0.0067 इंटू 5, तो 0.00335, तो ये आपका आ गया P1 0.0335। अब इसी तरह से हम P2 निकालेंगे, P2 आपका आएगा 0.0067 इंटू 5:2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 0.0067 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.0067 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 0.84 लिख सकते हैं हम, 0.084 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम P3 निकाल लेते हैं, तो 0.0067 इंटू 5:3 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 3 का क्यूब और 3 का फैक्टोरियल, तो 0.0067 इंटू 5:3 क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 125, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल मतलब 6, तो 0.0067 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 6 करूँगा मैं, तो 0.139 है, तो हम इसको वहाँ 0.138 140 करते थे, 0.140, क्लियर। ठीक है, 0.006, 0.0, एक सेकंड में एक बार कैलकुलेशन और एक बार कर लेता हूँ, 0.0067 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, 0.1395 है, तो 1396 कर देता हूँ मैं इसको, एक काम करता हूँ 0.1396 कर देते हैं, एक्चुअली में तो ये आ जाएगा 0.14, यहाँ एक और करें 0.14 ही लिख देते हैं, P4 आपका आ गया 0.0067 इंटू 5:4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, तो 0.0067 इंटू 5:4 क्या है, 5 इंटू 5 25 इंटू 3 और ये 4, 625, और 4 फैक्टोरियल क्या आ गया आपका, 4 इंटू 3 इंटू 2, 24, ये 0.0067 इंटू 625 डिवाइडेड बाय 24, तो 0.1745 लिख देते हैं, 0.1745। अब इसी तरह P2 आपका क्या आया, 0.084 आया, P3 आपका क्या आया, 0.14 आया, हमें वो 0.1396 कर देता हूँ, और P4 आया 0.1745, ठीक है। अब इन सब का टोटल कितना आया आपका, 0.0067 प्लस 0.0335 प्लस 0.084 प्लस 0.1396 प्लस 0.1745, 0.4383, ये आपका है प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे 0.4380 है, तो कोई इशू नहीं, लास्ट डिजिट का ही एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है इतना, तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा ये वाला सम, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट सम है, तो प्लीज इसे एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम करेंगे सम नंबर 8, ठीक है, टाटा बाय बाय।